कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक वेटर का काम करता था। फिर आज वह जैसे ही सभी को चाय पिलाने लगता है, एक ब्यूटीफुल लड़की कहती है यह चाय बहुत टेस्टी है। इसे देख लड़का पूछता है कि क्या तुम कोई मैजिशियन हो। फिर लड़की बताती है कि हम ग्लेनोर्ट कैपिटल से आए हैं। इसके बाद वह अपने भाई सेन सी को भी दिखाती है और अपना नाम सेन यिन बताती है। फिर लड़का पूछता है क्या तुम्हारा भाई ड्यूक है। तब सेन यिन कहती है नहीं, लेकिन इस पूरी कंट्री में केवल 7 ड्यूक हैं। इसमें जिनकी लेवल जितनी हाई होती है उनकी सोल पावर उतनी ही ग्रेट होती है और यहाँ हम एक सोल बीस्ट को पकड़ने आए हैं। तभी अचानक से यहाँ की पूरी जगह फ्रीज होने लगती है और इसके दायरे में जो भी आता है वह डिस्ट्रॉय होने लगता है। यह देखते ही सब काफी डर जाते हैं। अब इनको संभलने का जरा भी टाइम नहीं मिलता और यह चीज सभी को मारने लगती है। इसके बाद सेन यिन यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी इसके सामने एक पहाड़ी आ जाती है और अब आइस फेंग भी इसके सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद आइस फेंग सेन यिन पर अटैक कर देता है, जिसमें सेन यिन बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। दूसरी तरफ लड़का भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन अब आइस फेंग इसे भी घेर लेता है और फिर बुरी तरह जख्मी कर देता है। इसके बाद हम एक मिस्टीरियस जगह को देखते हैं, जहाँ ड्यूक 7 यानी सिल्वर को बताया जाता है कि तुम्हारा स्टूडेंट अपीयर हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ड्यूक 4 यानी टेरे आती है, जिसे ड्यूक 2 यानी डार्क की हेल्प करने का ऑर्डर मिलता है, जो कि ड्यूक 5 और उसके स्टूडेंट को हंट करने गया है। तब टेरेया पृष्ठ से इसकी वजह पूछती है, जिस पर पृष्ठ कहती है वो देशद्रोही है। इधर डार्क ड्यूक 5 यानी फेंगवेन का पीछा कर रहा है और इनके सामने अपना रैथ मिरर लगा देता है। इसके बाद फेंगवेन अपने साथ वाले मिस्टीरियस आदमी को साइड में कर देता है। वहीं अब मिरर के अंदर से इसका कॉपी निकलता है और अब दोनों की आपस में शानदार फाइट होने लगती है, जहाँ दूसरी तरफ डार्क मिस्टीरियस आदमी को पकड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट वाला लड़का होश में आता है, जहां इसके सामने ही सिल्वर बैठा होता है और इसको अपने साथ ग्लेनोर्ट ले जाने की बात करता है। यह सुनते ही लड़का कहता है कहीं तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो, जिस पर सिल्वर कहता है कि अब से तुम मेरे स्टूडेंट हो। इसके बाद सिल्वर इसकी सोल पावर चेक करने लगता है और इस लड़के को चिलिंग कहकर बुलाता है। इसके बाद सिल्वर इसे अपनी बॉडी दिखाता है, फिर बताता है कि मेरी बॉडी पर जो लाइंस हैं वो असल में हमारी सोल की लूप पाथ है और इसका सेंटर ड्यूक मार्क है। इसी के साथ चिलिंग को पता चलता है कि सिल्वर ने आइस फेंग को इसके अंदर सील कर दिया है। यह पता चलते ही मासूम चिलिंग पूरी तरह हैरान हो जाता है। इसके बाद सिल्वर इसे सोल मैजिक यूज करने के बारे में बताता है और इसे अपना सोल बिस्ट भी दिखाता है, जो कि एक स्कॉर्पियन होता है। इसके कुछ समय के बाद चिलिंग भी अपने सोल बिस्ट को बाहर निकालना सीख जाता है। अब रात को सिल्वर कहता है कल हम सोल माउंट के लिए निकलेंगे, जहाँ से तुम्हें अपना वेपन सेलेक्ट करना होगा। इस पर चिलिंग कहता है वहाँ तो बहुत से लोग जाते होंगे। तब सिल्वर बताता है वहाँ केवल स्टूडेंट ही जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई लोटस नाम के स्टूडेंट का पीछा कर रहा होता है, लेकिन लोटस भी बहुत टैलेंटेड होती है और वह उससे बचकर सोल माउंट वाली एंट्रेंस पर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से सेन यिन भी यहाँ पर आ जाती है। सेन यिन कहती है मैं तुम्हें मारने आई हूँ और मुझे पता है कि तुम ड्यूक 5 की स्टूडेंट हो। फिर सेन यिन आगे बोलती है मैं ड्यूक 2 की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद सेन यिन लोटस पर अटैक करने लगती है, लेकिन लोटस खुद को इसके अटैक से बचा लेती है और तुरंत ही सोल माउंट में एंटर कर जाती है। लेकिन तभी सेन यिन के पास डार्क का सिग्नल आता है। दूसरी तरफ चिलिंग सिल्वर के साथ सिटी में आ गया है, जहाँ सिल्वर इसके आंखों में हिस्सा फ्रूट डाल देता है, जिसके बाद चिलिंग को सिल्वर के चारों तरफ गोल्डन फॉग दिखाई देने लगती है। फिर सिल्वर बताता है कि यह चीज हमारे सोल पावर की एंटिटी है, जो इस लैंड में केवल 2 जगह पर ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है। पहली जगह है सोल माउंट, जिसकी वजह से यह लगातार पावरफुल वेपन जनरेट करता रहता है। इसके बाद दूसरी जगह है एबिस कॉरिडोर, जहां पर लाखों की संख्या में सोल बीस्ट हैं और लीजेंड बताते हैं कि वहां पर एक गोल्डन लेक है। अब सेन यिन जैसे ही यहां पहुंचती है, डार्क इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सेन यिन बताती है कि यह मैं हूँ। वहीं डार्क बुरी तरह जख्मी होता है और सेन यिन से गोल्डन लेक में चलने के लिए कहता है। वहीं सिटी के बीच कोई सेलिब्रेशन चल रही होती है, जिसे देख चिलिंग सिल्वर से वहां जाने के बारे में पूछता है और सिल्वर मान जाता है। जब चिलिंग कुछ लोगों को अपने सोल बिस्ट के साथ देखता है, तब यह भी आइस फेंग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देख सब काफी हैरान हो जाते हैं। तभी कोई गार्ड इसके तरफ आने लगता है, जिसे खतरा समझकर आइस फेंग अटैक करने की कोशिश करता है। फिर वो बताता है कि मैं राइन सिटी के टेंसो फैमिली का एक गार्ड हूँ और हम अपने प्रिंसेस के लिए किसी यंग लड़के को खोज रहे हैं, लेकिन चिलिंग को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता और यहाँ से जाने लगता है। यह देख प्रिंसेस अपने ईगल से इसे घेरने की कोशिश करती है, लेकिन आइस फेंग इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और चिलिंग यहाँ से भाग जाता है, जबकि प्रिंसेस इसके रिजेक्शन से बहुत गुस्से में होती है। वहीं चिलिंग सिटी के ऊपर से जा रहा होता है, लेकिन यह तभी एक वॉल से टकराता है और सोल माउंट में एंटर करने वाली जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी प्रिंसेस भी यहाँ पर आ जाती है और गुस्से में इस पर अटैक करने लगती है। फिर चिलिंग खुद को बचाने लगता है और गलती से सोल माउंट में चला जाता है, लेकिन अब सिल्वर को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत इस जगह पर आकर प्रिंसेस को कैद कर लेता है। फिर सिल्वर प्रिंसेस से चिलिंग के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिंसेस इसके साथ फाइट करने लगती है, जिसके बाद गुस्से में सिल्वर भी अपने पावरफुल शील्ड का यूज करता है और प्रिंसेस को जख्मी कर देता है। अब सिल्वर बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वह ड्यूक होने की वजह से चिलिंग को बचाने अंदर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ चिलिंग सोल माउंट में चला गया है और वहाँ के नजारे से पूरी तरह से हैरान है। तभी लोटस अचानक से इसके सामने आ जाती है। अब इसे देखते ही चिलिंग डरने लगता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन फिर लोटस अपने चेन से इसे बचा लेती है। फिर कहती है, मैंने अपना वेपन रिसरेक्शन चेंस ले लिया है, तुम भी अपना वेपन जल्दी से सेलेक्ट कर लो। लेकिन चिलिंग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर लोटस बताती है कि तुम्हें इसके लिए केवल एक चांस मिलेगा। तभी प्रिंसेस भी यहाँ आ जाती है और बहुत गुस्से में इन पर अटैक करने लगती है। अब इसे देखते ही चिलिंग छुपने लगता है और प्रिंसेस लोटस से कहने लगती है, प्रिस्ट ने कहा था यह रिसरेक्शन चेंस मेरा है। तभी प्रिंसेस चिलिंग को देख लेती है, लेकिन वह इसे कुछ नहीं करती क्योंकि इसने सिल्वर से इसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया है, जिसके बदले में सिल्वर ने इसके सामने घुटने भी टेका था। फिर प्रिंसेस रिसरेक्शन चेंस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती। फिर चिलिंग लोटस से कहने लगता है, हमें इसे भी अपने साथ ले चलना चाहिए। इसके बाद प्रिंसेस अपनी इंजरी को खुद हील कर लेती है, जिसे देख चिलिंग हैरान हो जाता है। फिर लोटस बताती है कि यह चीज ड्यूक 6 की गिफ्ट है, जिसमें रीजनरेशन की एबिलिटी है, लेकिन चिलिंग को सिल्वर के गिफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद लोटस बताती है कि मेरे अंदर सोल बीस्ट को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। दूसरी तरफ सेन यिन डार्क को लेकर गोल्डन लेक में चली गई है, जहां डार्क अब फिर से हील हो गया है। इसके बाद डार्क उस आदमी को खोजने की बात करता है जिसने इसका हाथ तोड़ा था। वहीं सोल माउंट में प्रिंसेस अपने लिए धनुष निकालने लगती है, फिर वह जैसे ही इसे तोड़ती है उस जगह से गिरने लगती है, लेकिन तभी चिलिंग इसको पकड़ लेता है और इसे गिरने से बचा लेता है। फिर यह सब एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और चिलिंग अपने लिए वेपन निकालने लगता है। तभी अचानक से इसका हाथ छूट जाता है, जिसके बाद यह एक तलवार के ऊपर लटक जाता है, लेकिन तभी कोई क्रिएचर चिलिंग को खींचने लगता है। यह देखते ही प्रिंसेस उस पर अटैक करती है, लेकिन फिर तीर वापस आकर इसे ही लग जाती है। इसके बाद लोटस अपना चेन यूज करती है और चिलिंग को खींचने लगती है, जिसके बाद तलवार टूट जाती है और अब चिलिंग चेन में लटक जाता है। अब चिलिंग को खतरे में देख आइस फेंग क्रिएचर पर अटैक करने जाता है, लेकिन फिर इसे कुछ हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी चिलिंग अपने तलवार से क्रिएचर को काट देता है और लोटस इसे ऊपर खींच लेती है। अब तीनों जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं, क्रिएचर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और सभी को नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। यह देखते ही चिलिंग अपनी तलवार का यूज करता है, जिसके पावर के सामने यह क्रिएचर नहीं टिक पाते और फिर तीनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तीनों एक एंट्रेंस पर आ जाते हैं, जहाँ इनके सामने दो ऑप्शन होते हैं। तभी प्रिंसेस बोलने लगती है कि लेफ्ट वाला ऑप्शन सही है, लेकिन जब लोटस इसे उसमें भेजने की बात करती है तब प्रिंसेस काफी डरने लगती है, लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस लोटस को उसमें धक्का दे देती है। अब इसके इस हरकत से चिलिंग काफी गुस्सा हो जाता है और फिर लोटस के पीछे चला जाता है, लेकिन प्रिंसेस राइट वाले एंट्रेंस में अंदर जाती है, जहाँ पर इसे चिलिंग और लोटस फिर मिल जाते हैं, लेकिन लोटस इसे कुछ नहीं करती और दोनों इसे फिर से अपने साथ ले लेते हैं। फिर प्रिंसेस अपने ईगल का यूज करने लगती है, लेकिन फिर जैसे ही यह लोग कुछ आगे जाते हैं सभी ईगल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और चिलिंग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है। इधर सिल्वर को फेंगवेन मिला है और वह इसे लेकर किसी जगह पर आ जाता है। फिर हम यहाँ पर उसी मिस्ट्रियस आदमी को देखते हैं जिसे डार्क मारना चाहता था। अब मिस्ट्रियस आदमी सिल्वर को देखते ही कहता है, स्टूडेंट 1 को देख मुझे काफी खुशी हुई। फिर इन दोनों से कहता है, तुम्हें जल्दी ही एटर्नल आइलैंड पहुँचना चाहिए और हाइलर को खोजना चाहिए। इसके बाद आगे वह कुछ नहीं बोल पाता और इसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती दिया है। दूसरी तरफ चिलिंग, लोटस और प्रिंसेस को सामने एक चमकती हुई चीज नजर आती है। तभी अचानक से यहाँ बहुत सारे बोनीज आने लगते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। फिर सब अपनी अपनी टैलेंट का यूज करने लगते हैं और इन बोनीज को मारने लगते हैं। अब तीनों इस जगह पर बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन तभी कोई पावर इन सभी को फ्रीज कर देती है। इसके बाद इनके सामने कोई आता है जो असल में Duke 3 यानी जिला होता है और फिर तीनों को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ सिल्वर को देखते ही चिलिंग काफी खुश हो जाता है। इसके बाद जिला बताता है कि किसी ने एग्जिट पर चेस को चेंज कर दिया है। फिर इनको पता चलता है सिल्वर को भी मैसेज मिला था कि रिसरेक्शन चेंज चिलिंग का है। अब बिल्कुल एक जैसा मैसेज मिलने से सब हैरान होते हैं। फिर लोटस कहती है या तो प्रिस्ट ने गलत मैसेज दिया होगा, नहीं तो फिर टेरेया ने इसे सीक्रेटली चेंज किया होगा। फिर सिल्वर कहता है फेंगवेन हाइलर को खोजने एटर्नल आइलैंड में गया है, इसलिए टेरेया भी फेंगवेन को मारने जरूर वहीं पर गई होगी। इस पर जिला कहता है लेकिन हाइलर तो कई सालों से मिसिंग है। अब यह बातें सुनकर प्रिंसेस दुखी हो जाती है क्योंकि असल में हाइलर इसका ड्यूक है। इसके बाद जिला यहाँ पर एक चेस बनाता है और फिर सब इसके अंदर जाते हैं। वहीं एटर्नल आइलैंड में टेरेया और नियोन सेन यिन को मारने वाले हैं क्योंकि इसके पास पैसिव इवोल्यूशन वाली गिफ्ट है, यानी कि इसका सोल लूप एनेमी के इंजरी से कंप्लीट होता है। पिछली बार यह आइस फेंग के अटैक को लेने गई थी और अब यहाँ पर आई है ताकि इसे हाइलर का रीजनरेशन पावर मिल सके, जिसके बाद यह सबसे पावरफुल बन जाएगी। लेकिन तभी डार्क यहाँ पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी ड्यूक और उनके स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद लोटस फेंगवेन को खोजने चली जाती है। कुछ समय के बाद लोटस फेंगवेन से मिलती है और बताती है कि सिल्वर, जिला और इसके अलावा डार्क, नियोन और टेरेया भी यहाँ पर आए हैं। यह पता चलते ही फेंगवेन कहता है आज यहाँ Duke 1 के अलावा सभी ड्यूक एक साथ मौजूद हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर लोटस कहती है हाइलर भी यहीं कहीं पर होगा, जिस पर फेंगवेन कहता है यह पूरा आइलैंड ही हाइलर की बॉडी है क्योंकि हाइलर को इसे अपने साथ इंटीग्रेट करके प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया था। तभी पीछे से डार्क और टेरेया इन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन दोनों यहां से आसानी से भाग जाते हैं। फिर यह देख टेरेया डार्क को इनसे आगे भेज देती है। इसके बाद डार्क इनके ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। फिर लोटस अपने चेन का यूज करके इसे रोकने लगती है, लेकिन तभी फेंगवेन इसमें जख्मी हो जाता है। इसके बाद टेरेया यहाँ के सभी बिस्ट को कंट्रोल करने लगती है और यह सब बाहर आने लगते हैं। अब सिल्वर, चिलिंग और प्रिंसेस को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर देता है और इनको बाहर आने से मना करता है। तभी हम देखते हैं कि टेरेया भी इसी शील्ड का यूज करती है, जिसके बाद बिस्ट बिल्कुल इसके आर पार निकल जाते हैं और इनको कोई भी इंजरी नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर अपने पास के सभी वेपन को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि इसके पास अनलिमिटेड वेपन रखने की एबिलिटी है। इसके बाद सिल्वर बिस्ट का सामना करने लगता है और उनको मारने लगता है। अब सिल्वर को खतरे में देखते ही चिलिंग शील्ड से बाहर आ जाता है और सिल्वर को बचाने निकल जाता है। इस दौरान इसके रास्ते में बहुत से पावरफुल बिस्ट भी आते हैं, लेकिन फिर भी चिलिंग इनको मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब सिल्वर पर एक बिस्ट पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन चिलिंग इसे मारकर सिल्वर को बचा लेता है। तभी चिलिंग पर भी एक बिस्ट अटैक करने आता है, लेकिन इस बार सिल्वर इसे बचा लेता है और अब दोनों एक साथ मिलकर इनका सामना करने लगते हैं। दूसरी तरफ फेंगवेन लोटस को हाइलर को खोजने भेज देता है, लेकिन अब टेरेया भी अपने आई पावर का यूज करने लगती है और इसे लोटस के बारे में आसानी से पता चल जाता है। इसके बाद लोटस एक गुफा के अंदर आ जाती है, जहां अचानक से इसकी चेन एक डायरेक्शन में खींचने लगती है। फिर इसके सामने एक लाइट नजर आती है जो असल में हाइलर होता है। इधर टेरेया फिर से अपने आई पावर का यूज करती है और इसे लोटस के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर वह सामने की एक दीवार को तोड़ देती है जो असल में हाइलर के बॉडी का ही एक हिस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिला फेंगवेन के पास आता है और कहता है अगर यह बिस्ट कंट्रोल से बाहर हो गए तब यहाँ का राइन सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर फेंगवेन कहता है अगर इस जगह पर मेरी मौत हो गई तब इन सोल बिस्ट से सिटी को जरूर बचा लेना। इसके बाद जिला यहाँ से चला जाता है। वहीं सोल बिस्ट अब सिटी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ के सोल्जर इनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन पावरफुल बिस्ट के सामने कोई नहीं टिक पाता। तभी जिला अपनी पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद से सोल बिस्ट पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं और अब सभी सोल्जर इनको आसानी से मारने लगते हैं। इनके अलावा खुद जिला भी सोल बिस्ट का सामना करने लगता है और फास्ट स्पीड से इन सभी को मारने लगता है। अब कुछ देर में सब कुछ शांत हो जाता है और जिला आइलैंड पर वापस वापस आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से यह पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और अब लोटस बाहर आ जाती है, जबकि टेरेया बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। फिर वह बताती है कि हाइलर ने मरने से पहले अपना सोल लूप लोटस को दे दिया है, जिसकी वजह से वो हम सभी से ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। इसके बाद फेंगवेन लोटस को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन अब टेरेया सभी से उसे मारने के लिए बोलती है, जिसके बाद सब उसे पकड़ने निकल जाते हैं। यह देखते ही फेंगवेन अकेले ही इनका सामना करने चला जाता है, क्योंकि वह लोटस को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। लेकिन अब डार्क बहुत आसानी से इसको मार डालता है। फिर भी फेंगवेन के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। अब सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है और सब यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। अब लोटस फेंगवेन के मौत से काफी दुखी होती है। इसे देख टेरेया कहती है अब उसे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि वो इतिहास की पहली डबल ड्यूक है। फिर लोटस इन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी इसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और यह इस जगह से भागने लगती है। तभी टेरेया को पता चल जाता है कि अभी दोनों सोल लूप एक दूसरे में फ्यूज नहीं हुए हैं और इसका फायदा उठाकर फिर से सभी को उसे मारने भेज देती है। लेकिन इस बार सिल्वर इन सभी के सामने आ जाता है और इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद डार्क सभी को बचा लेता है। लेकिन अब सिल्वर यहाँ से गायब हो चुका होता है। वहीं चिलिंग भी उदास होता है और प्रिंसेस रिवील करती है कि हाइलर ही उसका फादर था और हाइलर की स्टूडेंट उसकी मदर थी, लेकिन इसने प्रेगनेंसी के समय ही अपनी मदर की सोल पावर को सोख लिया था, जिस वजह से इसके मदर की मौत हो गई थी और इसकी सोल लूप इनकम्प्लीट है। दूसरी तरफ सिल्वर लोटस को पूरी स्टोरी बताने के लिए कहता है। फिर वह बताने लगती है कि हम उस मिस्टीरियस आदमी से एबिस कॉरिडोर में मिले थे, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर थी और तभी से हमें हंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद उसने डार्क के एक हाथ को भी उखाड़ दिया था। वहीं डार्क भी टेरेया से बता रहा होता है कि मिस्टीरियस आदमी ने मुझे फेंगवेन को मारने से रोक दिया, लेकिन केवल ड्यूक 1 ही मुझसे ज्यादा पावरफुल है। फिर टेरेया कहती है मुझे लगता है वो एक पृष्ठ है, क्योंकि मिडिल वाला पृष्ठ रूम हमेशा ही बंद रहता है। इधर लोटस बताती है कि वह मिस्टीरियस आदमी केवल एक बॉडी है, जिसे पृष्ठ ने अपने सोल को कैरी करने के लिए लूटा था, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी उनके पॉइजन को नहीं रोक सकती। इसके बाद सिल्वर मिस्टीरियस आदमी के मरने से पहले की बात याद करता है, जिसने बताया था कि पहले वाला ड्यूक 1 यानी गिलगामेश ने हमें धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो हमारे सीक्रेट को जान गया था, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि सब मिलकर भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे कैद कर दिया। लेकिन अब केवल वही इस कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। इधर डार्क टेरेया से पूछता है कि तुम्हें यह सब सीक्रेट कैसे पता, जिस पर वो कहती है कि इसे दूसरे लोग भी जानते हैं, जिसकी वजह से ही धोखेबाजी और मर्डर शुरू हुई है। फिर यहाँ पता चलता है कि असल में गिलगामेश हाइलर के बॉडी के अंदर ही कैद है। अब ये सोचने लगते हैं कि आखिर हाइलर ने खुद को सैक्रिफाइस करके लोटस को नया इमोर्टल ड्यूक क्यों बनाया, कहीं वह गिलगामेश को आजाद तो नहीं करना चाहता था। इसके बाद टेरेया कहती है मैं तुम्हें और भी सीक्रेट बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ खड़ा रहने का प्रॉमिस करना होगा। वहीं लोटस सिल्वर से कहती है कि मैं हमेशा पृष्ठ का वफादार बनकर रहना चाहती थी, लेकिन ड्यूक उनके लिए केवल एक बिस्ट सोल है, जिस पर सिल्वर कहता है लीजेंड को अवशेष बना दिया गया और सीक्रेट को डार्कनेस में रखा गया, लोग पावर के लिए एक दूसरे को मारते रहे। इसी के साथ हम टेरेया को किसी जगह पर देखते हैं, जहाँ डार्क भी कुछ लोगों के कोल्ड स्केलेटन को देख रहा होता है। फिर सिल्वर कहता है यह सभी केवल खुद के सोल पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि उनके अंदर से इंसानी इमोशन खत्म होने लगे हैं, जिस पर लोटस कहती है लेकिन मेरे अंदर अब केवल दुश्मनी की फीलिंग बची है। फिर सिल्वर से पूछती है आखिर तुम 4 साल पहले वाले तबाही के बाद से इतना शांत क्यों रहते हो, जिसके बाद सिल्वर कहता है मैं फिर से गिलगामेश को देखना चाहता था, मैं उसका स्टूडेंट था और हमेशा बना रहूंगा। वहीं चिलिंग अब सिटी में वापस आ जाता है, जहां पर इसे सिल्वर की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन अब यहां सिल्वर की केवल ड्रेस रखी होती है। दूसरी तरफ जिला किसी जगह पर होता है, जो कहता है कि गिलगामेश को बचाने के लिए सभी ड्यूक और उनके स्टूडेंट से दुश्मनी लेनी होगी, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद ही किसी चीज के लिए काफी है। और वह फिर किसी जगह में एंटर कर जाता है, जिसके बाद हम गिलगामेश को एक जगह पर कैद हुआ देखते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना।